गीत भी गाती है मनीष कश्यप के लिए, गा कर सुनाइए तो दर्शकों को। मंजेश आ जाओ। नहीं नहीं ए बाबा, ये बाबा जल्दी आओ बाबा, तो आ जाओ। अरे लाइव की बिहारी के धरती पे मनीष कश्यप के लिए एक बाबा गदाका लेके सड़क पे उतर गए हैं। एक देखिए पोस्टर लिए हुए लिखे हुए हैं, मैं भी मनीष कश्यप हूँ, राष्ट्र और सनातन हित में आवाज उठाना, जेल जाना है तो मुझे भी जेल भेज दो। इसके लिए मनीष कश्यप के लिए एक बाबा भी लड़ाई लड़ रहे हैं, गदाका लेके आए हैं, गदाका लेके आप मनीष कश्यप के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा मनीष कश्यप क्या थे जो कि आप रोड पे उतर गए, आपको मंदिर में जाके पूजा करना चाहिए था। आपके चैनल के माध्यम से सभी राष्ट्रवादी विचारधाराओं सनातन विचारधाराओं को मेरा जय श्री राम, हर महादेव, भारत माता की जय। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अमन कुमार हिंदू प्रचार हजार ही बात कोई बाबा नहीं है। ये जो वेशभूषा आप देख रहे हैं कि हम सनातनियों का वेशभूषा है, आज भले आप शर्ट और पैंट पहनते, मैं भी शर्ट पैंट पहनता हूँ, मैं भी शर्ट पैंट पहनता हूँ, लेकिन हफ्ता में एक से दो दिन मैं जरूर प्रयास करता हूँ कि अपने संस्कृति को मैं बरकरार रखूँ। मैं भी भगवा पहनू की भगवा में हो सकती है, वो सत्य से वेस्टर्न कपड़े में नहीं है। तो आप सनातन है तो लव जिहाद पूरे देश में बिहार में खाने में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो लव जिहाद की बात करना चाहिए आपको। मनीष कश्यप के लेकिन बात कर रहे हैं आप, मनीष कश्यप वो मनीष कश्यप था, मैं मनीष कश्यप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस राष्ट्रवादी विचारधारा की बात कर रहा हूँ, उस सनातनी विचारधारा की बात करता हूँ जब अंकिता को पेट्रोल डाल करके दुबका में चला दिया जाता है, यही मनीष कश्यप वहाँ पहुँचता है और लोगों तक बात को पहुँचाता है और सरकार से गुहार लगाता है। नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करके बोलता है कि एक बार ट्वीट क्लिक कर दीजिए, यही फिर पैंती भी पहुँचता है बिहार में आपका, जहाँ शकील के द्वारा जो असोचान काट दिया जाता है, वहाँ भी आवाज नहीं होता है। मैं भी वहाँ जाता हूँ, सात दिन भूख हड़ताल में करता हूँ, मैं भी निरंतर लव जिहाद पे बराबर कदम उठाता हूँ। कोई ये नहीं कह सकता है अमन कुमार को, शेयर करते चलिए आप जितने लोग जुड़े हैं, शेयर करते चलिए, फेसबुक पे जाकर देख लीजिए, मैं निरंतर लव जिहाद पे काम करते रहता हूँ, चाहे गौ तस्करी का मामला हो, चाहे जो भी सनातन संस्कृति का उठा रखा होता है, मैं बार बार आवाज उठाता हूँ। जितने भी फिल्म बनते हैं बॉलीवुड के, जो भी हमारे सनातन संस्कृति के खिलाफ बनते हैं, उसका मैं विरोध प्रदर्शन करता हूँ, बाइकआउट करता हूँ और सारा दिन मैं ट्रेन में ऑल इंडिया। आप ये बताइए कि मनीष कश्यप एक पत्रकार थे कि नेता थे? मनीष कश्यप एक राष्ट्रवादी विचारधारा था, मनीष कश्यप एक सनातनी विचारधारा था, जो बार बार बोलता था कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे शिक्षा नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे वो नेता लूट रहा है, यहाँ पर ये माँ रो रही है, यहाँ पे वो अबला बहन रो रही है, इसके साथ रेप बलात्कार हो गया है, यहाँ इस बहन के साथ लव जिहाद हो गया है, कोई तो देखो, कोई तो बचाओ, कोई तो सहारा बनो। वो मनीष कश्यप था जो जाकर के सड़कों को दिखलाता था, सड़कों के बीच के पोल को दिखलाता था कि कल इस पे होने वाले जो एक्सीडेंट है उसका जवाबदेह कौन है। अच्छा, ये कहाँ तक उचित है कि एक पत्रकार सरकार को चुनौती दे देगा कि तुम्हारा सरकार गिरा देंगे? देखिए, सरकार को चुनौती उसने क्या दिया नहीं दिया, मैं उस बाइक को सुना नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई प्रतिपाटी नहीं करूँगा। आप इस चैनल के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा है, चाहे वो सनातन विचारधारा हो या राष्ट्रवादी विचारधारा हो, जिस प्रकार से कोई भी पत्रकार राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत कार्य करेगा, राष्ट्रहित में बात करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले खिलाफ बोलेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ जिंदाबाद का जो नारा लगाता है हिंदुस्तान में, उस पर एनएसए क्यों नहीं लगता है? मनीष कश्यप एनएसए क्यों लग गया? यही तो भारत की विडंबना है। यहाँ पर जो राष्ट्र की बात करता है, गली गली जाकर जा करके अपने यूट्यूब से कमाए हुए पैसे, ना भ्रष्टाचार के पैसे,
घूस के पैसे नहीं, लिफाफा में नहीं, नेता का लिफाफा नहीं, आपकी तरह वो भी लिफाफा नहीं पकड़ता था। जिस प्रकार आप लिफाफा नहीं पकड़ते हैं उसी प्रकार मनीष का से भी लिफाफा नहीं पकड़ता था। यूट्यूब से जो कमाई होती थी उसी पैसे से लोगों की मदद करता था जाकर के। लेकिन जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस देश में लगाते थे, जो बोलते थे भारत तेरे टुकड़े हो गए हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उस पर एनएसए नहीं लगेगा, उस पर एनएसए नहीं लगेगा। जो कन्हैया लाल का लाइव वीडियो वाला क्या बोलेंगे तो बोलेंगे, रिपोर्ट रिपोर्ट आ जाएगा आपके चैनल पर, आके लाइव वीडियो बना के डाल दिया था। शेयर करो, जो भी देख रहा है शेयर करके इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ और जगाओ कि आज उसकी माँ जो लाखों माओ का आंसू पोछने के लिए सर को बूतर करके ये नहीं देखता था उसका कितना पैसा लगेगा या उस पर कौन से लोग FIR कर देंगे। वो हजारों हजार लाखों लाख माँ का आंसू पोछने के मरीज से हमेशा सड़क पर रहा, आज उसकी माँ रो रही है, आज उसके माँ के आंख में आंसू है, आज उसके माँ का आंसू कौन पोछेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद होने का एनएसए नहीं लगेगा, मनीष का पहले से लगेगा और उसकी माँ रोएगी। ये फौज की पत्नी है, उसके पिताजी जो है मनीष कश्यप के जो पिताजी है वो आज भी सेना का ड्यूटी दे रहे हैं। आप हम आप सुरक्षित है, उनके पिता सुरक्षित है, उनका बेटा जेल में है, वो मदुरई जाके बेटा से मिलने नहीं जा रहे हैं, वकील से बात नहीं कर रहे हैं, थाना पुलिस नहीं दौड़ रहे हैं, वो आज भी छुट्टी नहीं लिए हैं, देश की सेवा में बॉर्डर पे खड़े हैं। और तुम लोग वीडियो देख रहे हो, शेयर करो मूर्खों, कम से कम शेयर करके इस वीडियो को आगे तक पहुंचाओ और उन माताओं उन माँ का तुम आवाज बनो, मनीष कश्यप की माँ का बेटा बनो और बोलो कि माँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगा, तुम्हारे एक एक आंसू का बदला इस प्रकार से लूंगा, सभी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ दूंगा। मनीष कश्यप बहुत गरीबों को आंसू पोंछने का काम किए, लेकिन आज मनीष कश्यप सलाखों के पीछे हैं, लेकिन मनीष कश्यप के माता जी को आंसू पोंछने के लिए कितने बिहारी खड़े हैं। मैं तो अभी आपको बोला, आपके चैनल के माध्यम से मैंने अनुरोध भी किया, हमारी आवाज बहुत दूर तक नहीं जाएगी, हमारे उतने फॉलोवर नहीं है, 1,50,000 फॉलोवर है, बहुत कम आवाज में लोगों तक जाएगा, लेकिन आप लोग के माध्यम से कई मीडिया वाले के माध्यम से जो हमारी निरंतर मदद कर रहे हैं, इस माध्यम से कई लोगों तक आवाज जाएगा और कई बेटा मनीष कश्यप के लिए खड़ा होगा, उसकी माँ का आंसू पोंछने के लिए बोलेगा, माँ मैं भी तो ये आवाज बन करके मैं आया हूँ, ये उम्मीद से आया हूँ, लोगों को जन जन तक जोड़ने के लिए आया हूँ, राष्ट्रवादी सनातनी विचारधारा से जुड़ जाए। और यहाँ की वर्तमान सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे चलिएगा, तभी आप रहिएगा। लग रहा है कि मनीष कश्यप पे एनएसए हटेगा और फिर गरीबों के बीच में आएंगे और उही ऊर्जा से काम करेंगे जिस ऊर्जा से काम कर रहे थे। जेल का ताला टूटेगा संविधान की किताबों से, मनीष कश्यप फिर से छूटेगा और आपके कंधा पे इसी प्रकार से हाथ रख करके, और दोनों भाई आप लोग साथ में घूमिएगा।